आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पर बस्ती जनपद में भगवान राम के जन्म में मर्यादा काल की साक्षी रही मनोरमा नदी की साफ सफाई की गई जिससे पर्यावरण शुद्ध और साफ रहे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। अंधाधुंध पेड़ की कटाई से दुनिया भर में इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव हो रहा है, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में मनाया था। उस समय विश्व में 119 देशों ने पर्यावरण दिवस में हिस्सा लिया था। वहीं भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं ये था। विश्व पर्यावरण दिवस पर बस्ती जिले में भी जागरूकता अभियान चलाया गया। जीवनदायिनी माने जाने वाली नदियों की साफ सफाई की गई, पेड़ पौधे लगाए गए। डीएम प्रियंका निरंजन विश्व पर्यावरण दिवस पर कप्तानगंज के कोटिया गांव पहुंची, जहां पर डीएम प्रियंका निरंजन ने नदियों की साफ सफाई का जिम्मा अपने हाथों में लिया। डीएम ने खुद नदी की साफ सफाई शुरू की और लोगों को भी इसमें जनभागिता का संदेश दिया। पेश है एक रिपोर्ट। आज नदी की सफाई जनपद बस्ती में जो मनवर सफाई अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत श्रमदान के द्वारा और जन सहभागिता के द्वारा नदी सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और चूंकि लोगों को इस बारे में जागरूक किया गया कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करें, दूसरा जो आपके जल स्रोत हैं उनको संरक्षित करें, इसके लिए आज सभी लोगों ने यहाँ 2-3 घंटे हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, विभिन्न प्रधान, सभी हमारे कर्मचारी और सभी ग्रामवासियों ने यहाँ मनवर सफाई अभियान में अपना योगदान दिया है और इस चीज़ को आज लोगों के बीच में स्थापित किया है। कैसे यदि सभी लोग सहयोग करें, श्रमदान करें, तो अपने जल स्रोतों को साफ, स्वच्छ और सदा नीला रखना है।